हेलो एवरीवन, दिस इज़ घनश्याम कुमार। बच्चों, हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था सेंटेंस। आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके थे। उससे पहले हम एक बात कहना चाह रहे हैं, जब हम लोग इसमें इस पैटर्न्स पे मिले हैं जिसको हम यूट्यूब कह रहे हैं, तो यूट्यूब पे बहुत से ऐसे आपको स्टैक किए हुए मिलेंगे कि ट्रांसलेशन में 2 घंटे का बाप, अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी बनाना हुआ बेहद आसान, 2 घंटे में अनुवाद करने के बाप बने। तो बच्चों, कोई भी ऐसा वीडियो जिसमें अगर ऐसा है कि 2 घंटे में बाप बनिए, ट्रांसलेशन करना सीखिए, ज़िंदगी अंग्रेजी सीख करके बनाई है, तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं। 2 घंटे में, 4 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ वही जान सकेंगे या वही जान पाएंगे जो उस वीडियो में इंक्लूड रहेगा। जैसे हमारे सुबह की दिनचर्या जो कार्य हैं, इन सब के बारे में, जैसे आओ, बैठो, उठो, खाओ, इसका अनुवाद क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये सब है जो कि मुझे जहाँ तक लगता है हम में से बहुधा यानी बहुत से लोग इसको जानते होंगे। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक ग्रामर, ये ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर कहें ऐसा हम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं अपने आपके नॉलेज के लिए, जो आने वाले समय में, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे हमारे पर्सनालिटी से लेकर के हो, यानी स्पीकिंग से लेकर के भी हो, उसमें काफ़ी हमारे लिए हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज, सेंटेंस में हम बात करते हैं काइंड्स की। किसकी बात करें बच्चों? काइंड्स। काइंड्स को हम यूँ लिख दें, प्रकार। प्रकार यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं हम इसके बारे में। तो मान लीजिए मैं कॉलम के माध्यम से समझाना चाहूँगा। पहले हम लिख ले रहे हैं नेम। बच्चों, हमने क्या लिखा है यहाँ? नेम। सुन रहा है ना तू? चलिए शुरू करते हैं। नेम के बाद अगर हम कहें तो यहाँ हम सेंटेंस फिर यहाँ लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर। बच्चों क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर। एक मिनट बच्चों, पिछले वीडियो में, क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, कुछ बच्चों का ये रिप्लाई आया, कमेंट आया कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए। तो चलिए मैं इसको इतना बड़ा कर दे रहा हूँ। नेम स्ट्रक्चर और हम यहाँ एक एग्जांपल लिख ले रहे हैं। एग्जांपल अगर हम बात करें, पहला जो यहाँ एडजेक्टिव सेंटेंस, क्या लिखा बच्चे मैंने? एडजेक्टिव। इसी को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। ठीक, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर इसके काइंड्स की बात करें, इसके भी, इसको 2 श्रेणी में, यानी इसको, इसके भी 2 काइंड्स हैं, उसको अगर हम लिखें तो पहला अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ठीक, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में इसके होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एस फॉर यहाँ सब्जेक्ट समझिए, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अगर थोड़ा इसको हम और लिखें
और कर करके, तो ये हो सकता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हम इसको प्लस करके अगर लिख दें वर्ब, वर्ब मतलब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर इसका हम एक एग्जांपल दें बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आया। इसका अगर हम एक एग्जांपल दें तो हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, जैसे यू टेक अ पेन। ठीक बच्चों, चलिए ऐसे बहुत से उदाहरण आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, ये भी आपका क्या है असर्टिव, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। आप लोग सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम बात करें इसी एडजेक्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के दूसरे भाग की, जो कि है निगेटिव, क्या है निगेटिव। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो बच्चों हम लिखते हैं सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मैंने यहाँ क्या लिखा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। दूसरी चीज़, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ जो लेटर्स मैं लिख रहा हूँ थोड़ा छोटा है या विजिबिलिटी थोड़ी कम है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो दिखाई देगा, नहीं तो मैं बोल भी रहा हूँ तो आप उसको सुन भी सकते हैं मैं क्या लिख रहा हूँ। चलिए, ठीक इसके तुरंत बाद नॉट, फिर हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखा बच्चों मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रक्चर हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, एक कड़ी आने वाले पॉइंट पे जब भी हम पढ़ेंगे, चाहे टेंस पढ़ें चाहे कोई क्लास पढ़ें, जैसे हम पिछले क्लास में देखें कि जैसे हमने फ्रेजेज की बात की, उस सब में ये कहीं ना कहीं आने वाला है, क्योंकि पूरा व्याकरण या यूँ कहें पूरी हमारी इंग्लिश की जितने भी क्राइटेरिया हैं, जितना इसका दायरा है, इस सब के सब इसमें आने वाले हैं। अगर इसका एग्जांपल देते हैं तो हम ये लिख सकते हैं यू डिड नॉट डू योर वर्क, यू डिड नॉट डू योर वर्क। चलिए बात करते हैं इसके अगले काइंड्स की, जो कि है इंट्रोगेटिव। क्या बच्चों देखो क्या मैंने लिखा इंट्रोगेटिव। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उससे पहले इसके भी दो प्रकार होते हैं, कितने होते हैं बच्चों दो, यहाँ ध्यान दीजिए लिख लीजिए हम बहुत से। चलिए पहला है क्लोज इंडेड, क्या है क्लोज इंडेड, इसी को हम यस या नो टाइप भी कहते हैं, क्या कहते हैं यस या नो टाइप। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है, सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, आफ्टर दैट वी आर टू राइट हियर सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड यू आर टू पुट हियर द क्वेश्चन मार्क। इफ आई से फॉर एग्जाम्पल आर यू getting my point, are you getting my point। ठीक है बच्चों, ये अंग्रेजी जो हम सीख रहे हैं इसका दायरा काफ़ी लंबा है, लेकिन हम मैंने कहा ना हम सीखेंगे कदम से कदम बढ़ा करके, यानी एक कदम आगे एक कदम आगे इस तरह से। चलिए ये तो हमारा हो गया, दूसरा अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है बच्चों ओपन एंडेड, क्या है ओपन एंडेड। अगर हम ओपन एंडेड की बात करें तो इसको हम डब्ल्यू एच फैमिली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। जैसे अगर डब्ल्यू एच फैमिली की बात करें तो आपने पढ़ा होगा वाई व्हेन वेयर
हुस, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो डब्ल्यू एच फैमिली में आते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो आप देखेंगे जो यहाँ आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर दिख रहा है ना। चलिए अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक उससे पहले हम इसे डब्ल्यू एच फैमिली को लिखेंगे। तो इसको हमने एक नाम दे दिया, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप देखेंगे जो चीज़ यहाँ है, जिस प्रोसेस में है, हम उसको यहाँ लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट द क्वेश्चन मार्क। अगर हम उदाहरण की बात करें इससे संबंधित, तो बहुत से लोग पूछते हैं तुम ये काम क्यों करते हो, आप पढ़ाई क्यों करते हो, एम क्या है, ऐसे बहुत से प्रश्न। जैसे अगर हम कह दें कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आपका कोई ना कोई अपना क्या होगा, उत्तर होगा। तो चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम एक उदाहरण देते हैं। अगर मैं पूछूं व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, अर्थात आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, क्या कारण, संस्कृत भी पढ़ लिया करो, अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो। चलिए हम इसके लिए थोड़ा चर्चा कर लें बच्चों। देखिए यहाँ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसको हम क्लोज इंडेड कह सकते हैं या शेयर नो टाइप में, तो आप पाएंगे कि जो कुछ भी हम पूछते हैं, जो कुछ भी हम क्लोज इंडेड से लेके पूछते हैं, उसका जवाब हम सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या आपने खाना खाया, तो आपका जवाब होगा यदि खाया है तो यस, नहीं खाया है तो नो। अगर मैं पूछूँ क्या तुम बीमार थे, अगर आप थे तो यस, नहीं थे तो नहीं। ऐसे बहुत से वर्ड है। क्या तुम पिंकू के साथ, क्या तुम पिंकू के साथ बाजार गए, प्रियंका यस सर, मैं तो पिंकू के साथ बाजार गया, तो आपका जवाब रहा यस। यस आपने जैसे कहा, बाकी जो क्वेश्चन हमने पूछा वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। समझ में आया बच्चों? लेकिन जब हम ओपन इंडेड या फिर डब्ल्यू एच फैमिली की बात करते हैं बच्चों, अगर हम इसको लेकर के प्रश्न करें, तो इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाई डू यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, तो आपको यस सर। पिंकू खड़ा कहा नो सर, मैंने कहा क्यों क्यों, इसका तो यस, तुम्हारा नो क्यों, तो पिंकू का सर आई डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड दिस इज द रीज़न आई टोल्ड नो सर। मैंने कहा बड़ी बदतमीजी वाली बात है, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, पिंकू जवाब क्या दे रहा है। चलिए छोटू की बात कर लेते हैं। ये छोटू थोड़ा बावरा है, ये क्लोज इंडेड का बहुत प्रयोग करता है। तो मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, उसने कहा यस। मैंने कहा योर नेम इज यस, उसने कहा नो। कुछ भी उससे पूछो तो यस या नो देता है। क्यों? क्योंकि क्लोज इंडेड जो इंट्रोगेटिव है उस पर उसकी काफ़ी पकड़ है। लेकिन बच्चों हम यहाँ जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, पूरे अंग्रेजी के दायरा को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस पर अपनी पकड़ बनानी है, रट्टा नहीं मारना है, बातों को समझना है और जानना है, मानना नहीं है। मानने का मतलब यक्ष बराबर तो 100 भी हो जाता है, यक्ष बराबर 100 हम पढ़ते भी हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि किसी भी चीज़ को हमको मानना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ जानना और समझना है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे आते हैं अगले सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है अगर बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है बच्चों, हमने देखा यहाँ, देखिए मैंने क्या लिखा, इम्परेटिव सेंटेंस। अगर इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसको हम लोग आज्ञा सूचक, क्या बोलते हैं बच्चों, आज्ञा सूचक। इसको पहचानने के लिए, सॉरी, इसके भाव के लिए हम वाक्यों में देखेंगे जो इसके मीनिंग्स होंगे, या तो रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर्ड, ऑर्डर, कमांड। बात करें तो एडवाइस,
सजेस्ट, ऐसे बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर बात करें इसकी तो आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंपरेटिव की, अफर्मेटिव की, किसकी बात करें, अफर्मेटिव की, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पहले बात कर लें। बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें दो पर्सन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कितने? दो, एक जो आज्ञा दे रहा है और दूसरा जो आज्ञा ले रहा है, यानी एक रिसीवर होता है एक गिवर होता है। जैसे अगर मैं कहूँ खड़े हो जाओ पिंकू, खड़े हो जाओ पिंकू, खड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं ये शब्द मैंने बोला, आज्ञा दिया, ऑर्डर दिया, तो इसको रिसीव किया किसने? पिंकू ने। तो ये आज्ञा देने वाला, दूसरा रिसीव करने वाला, तो इसमें दो होते हैं। और इस वाक्य की सबसे अच्छी बात है जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, यानी जिसको मेन वर्ब कहते हैं, उससे इस वाक्य की शुरुआत होती है। समझ आया बच्चा? बच्चों मैंने क्या कहा, उसकी शुरुआत किससे होती है? वर्ब से। इसके ठीक बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। अगर इसके बाद कुछ आता है इंक्लूड करते हैं डीसी, अन्यथा नहीं। इसमें अगर देखा जाए तो जो यस होता है, यस बोले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है, अर्थात ये छिपा रहता है, इसको हम दिखाते नहीं हैं। और ये जो सब्जेक्ट छिपा रहता है ये हमेशा क्या होता है बच्चों? यू। ये सब्जेक्ट क्या होगा? यू। और यही रीज़न है कि जो वर्ब होता है अपने बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में होता है। समझ आया बच्चों? अगर इसका हम उदाहरण दें, समझ आया? देखिए एक बार और चर्चा कर लें, यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर हम इसको ढक दें तो किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे हमने कहा ओपन द डोर, ओपन क्या है? वर्ब है, द डोर इसका ऑब्जेक्ट है। यानी और इसके पहले स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके जो काम करते हैं वही ऑब्जेक्ट है। तो मान लीजिए अगर हिडन है तो वर्ब किसी काम को कर रहा है तो उसका तो ऑब्जेक्ट होगा, होगा होगा, क्यों? लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हिडन है, और ये क्या है? यू है। समझ में आया बच्चों? तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा कर्ता जिसको बोलते हैं डूअर, वो हमेशा क्या, डूअर वो क्या होता है? हिडन होता है, यानी छिपा रहता है। इसका उदाहरण अगर हम दें तो मैंने भी कहा वर्ड ओपन द डोर, मैंने कहा क्या? ओपन द डोर। ठीक बच्चों, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं आप खुद बना सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो ब्रिंग ए ग्लास, यू ब्रिंग हम किसी को कहते हैं, चाहे अपनी सिस्टर से कहें, चाहे मम्मी से कहें, या किसी से भी कहें। चलिए इससे आगे, अब अफर्मेटिव के बाद अगर हम इसी के निगेटिव की बात करें, किसकी बात करें? निगेटिव की। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं यू है, और जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है ये प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है। किसका? प्रेजेंट टाइम का। तो जब प्रेजेंट टाइम की बात आती है तो इसके निगेटिव के लिए हम लोग वाक्य में पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके ठीक बाद क्या लगता है? नॉट। इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में जो अफर्मेटिव का है या फिर असर्टिव का, आप उसमें देखेंगे कि निगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा बच्चों? फिर बाद में जो अगर कुछ दिया हुआ है वो, अब यहाँ हम जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब ये कॉमन होना चाहिए कि यू के साथ डू ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? डू, डिड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे आप लोग कुछ लोग आप में से अभी तो क्लास को ले रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इधर उधर है, अब नज़रें भी बटाए हुए हैं, कोई इधर ध्यान दे रहा है कि वो छोटू क्या कर रहा है, पिंकी क्या कर रही है, रिंकी क्या कर रही है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ डू नॉट, डू नॉट
मेक अ नॉइस वाइल रीडिंग, इतना बड़ा भाग हम डू नॉट मेक अ नॉइस इतना भी लिख सकते हैं। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला है बच्चों एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, ए बी सी, सी के बाद बच्चों क्या आया, डी, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अगर हम एक्सक्लेमेटिव की बात करें तो एक मिनट प्लीज, इस सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, सडन, आप पढ़ भी चुके हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन सेंटेंस। ठीक बच्चों, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग सेंटेंस, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें वाव संबोधन या फिर गुर्रे या एलोश ऐसे शब्द लगे रहते हैं, सॉरी दिए होते हैं, सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसकी भी बनावट ठीक इसकी तरह होता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के हम किसी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते, बिना वर्ब के हम किसी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो बिना वर्ब के भी आता है। जैसे अगर हम इसके उदाहरण को लिखें, मैंने कहा वाओ, सडन फीलिंग्स की बात होती है, सडन फीलिंग्स क्या है, अगर हम लोग इस समय आप बैठ करके क्लास को देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, अचानक अचानक आप जहाँ बैठे हैं बगल में कोई सांप, कोई भी सांप या अचानक चूहा आपके ऊपर कूद जाए तो आप कहेंगे वाओ वाओ, बोलेंगे वाओ नहीं, क्या आप सोच के बैठे हैं कि जब चूहा कूदेगा हम बोलेंगे वाओ, नहीं, उस समय सडन फीलिंग्स का मतलब होता है आप तुरंत चिल्लाएंगे ओ माय गॉड, अपने अंदाज में चिल्लाएंगे जो भी शब्द, लेकिन हम सोच के नहीं रखते हैं कि हमको यही बोलना, साइकिल से जा रहे हैं साइकिल से गिर गए तो हमको हाय हाय करना ऐसा तो है नहीं। मान लीजिए आप कहीं आप पार्टी में गए हुए हैं और डांस कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल साउंड पे डांस करते हैं, तो वहाँ क्या होता है पिंकू डांस कर रहा है और आप जा करके कह रहे हैं हाय 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 हाय, तो क्या पहले से सोचें कि कोई डांस करेगा हमको हाय कहना, नहीं। तो ये सडन फीलिंग एक्सप्रेशन सेंटेंस में होते हैं, हम वाओ ये भी बोल सकते हैं, यू हैव ऑन द रेस वाओ आश्चर्य, या फिर कुछ लोग कहते हैं वेल डन, ठीक, तो हमें लिख सकते हैं। अब हम इसकी बात किए हैं कि बिना वर्ब के भी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है, तो अगर मैं कहूँ बहुत से लोग व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, बच्चों आज आप लोग बहुत से लोग ऐसे टेलीविज़न जब देखते हैं तो टेलीविज़न पे एक ऐड आता है आइडिया का, आदित्य बिरला ग्रुप से जो एडवर्टाइजमेंट होता है आइडिया का, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, तो उसमें कहता है व्हाट एन आइडिया सर जी, सर जी को रिमूव करिए, अगर व्हाट एन आइडिया है तो इसमें आपको कहीं भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऐसे कोई भी वर्ड दिख रहा है नहीं, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस है, वो क्या है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो मैं यूँ हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं बिना वर्ब के भी होते हैं, एक शब्दों में भी हो सकते हैं, कभी कभी हम किसी से ज़्यादा नाराज होते हैं तो एक वर्ड उसको बोलते हैं नॉनसेंस, क्या बोलते हैं बच्चों नॉनसेंस, स्टूपिड
बहुत से ऐसे वर्ड बोलते हैं, शायद, स्टूपिड, ठीक। ये सब क्या है, हमारे एक सेंटेंस है, एक शब्द ही एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। चलिए सर, सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम आते हैं इसके आखिरी टाइप पे, जो कि आपका है अफेक्टिव सेंटेंस। पहले आप इसको नोट करें। अगर हम बात करें एक, तो है अफेक्टिव, क्या है अफेक्टिव सेंटेंस। अफेक्टिव सेंटेंस में आप पाएंगे कि इसमें विश प्रे ब्लेस ऐसे इसके भावार्थ होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों, स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि वाक्य की शुरुआत अगर किसी वर्ड से हो सकती है तो मी से, किससे, मी। उसके बाद कोई भी, यहाँ हम नाउन लिख सकते हैं, नाउन, या फिर इसको सब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे संबोधन का चिन्ह ये मिलेगा। जैसे कभी कभी हम मूवी देखते हैं तो मूवी में एक फादर होता है, तो पीटर जाता है फादर के पास, बोलता है फादर आज मैं कालिया को ख़त्म करके रहूँगा। कालिया एक पात्र है, तो आप लोग उसको पात्र ही समझिएगा। फादर आज कालिया के आतंक से मैं अपने इस गांव को मुक्त कर दूंगा। तो जो फादर होता है बोलता है गॉड ब्लेस यू, बच्चों क्या बोलता है, गॉड ब्लेस यू। वहाँ पर मे जो होता है वो साइलेंट भी कर देता है, लेकिन वर्ड वही होता है, मे गॉड ब्लेस यू, या गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मिलेंगे। अगर मैं कहूँ तो चलिए पहले मैं लिख दे रहा हूँ कालिया के बारे में ही, तो कहते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी छोटू जो है, हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो शायद आपको एक कौवे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जो कौं 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 कर रहा है, वो पूछ रहा है और क्या और क्या और क्या, यानी कहानी को कहीं ना कहीं वो सुन रहा है। और लगता है आज के इस क्लास का वही छोटू, वही पिंकू, वही कालिया ही है, कौवा है तो कालिया भी है। तो मैंने उसको ही कह दिया गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इसके पहले मैंने कहा डोंट मेक अ नॉइस व्हाइल टीचिंग, बट वो माना नहीं। लेकिन अब मैंने उसको कहा गॉड ब्लेस यू, जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन हम यहाँ और एक उदाहरण देते हैं, तो कभी कभी हम पार्टी में जाते हैं, किसी की पार्टी है, जैसे अगर मान लें पिंकू की मान लें, या फिर झुमकी की मान लेते हैं, बर्थडे है, तो हम पहुँचते हैं बोलते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे डियर, विश यू हैप्पी बर्थडे। तो कहीं ना कहीं आई विश यू हैप्पी बर्थडे भी बोलते हैं, तो भी हमारा क्या होता है, अपडेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ये भी कहीं ना कहीं आपका अपडेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे बच्चों जो अपडेटिव सेंटेंस होंगे। तो इसको आज का जो एक क्लास है बस यहीं तक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हमने लिखा हुआ सेंटेंस काइंड्स। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग जो कि हमारे अगले क्लास में रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बच्चों ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स एंड काइंड्स। इफ आई सेड पार्ट्स मीन्स भाग, जैसे हम सिक्स के क्लास में और कहीं पढ़े होंगे, जैसे शरीर है, शरीर के भाग, ये हाथ हो गया, ये फिंगर्स हो गए, हाँ, ये नाक, ये नोज़ हो गए, आइज़ हो गए, माउथ हो गया, ऐसे शरीर के पार्ट्स हैं। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस के भी ऐसे भाग हम पढ़ेंगे। और काइंड्स क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं शाखा यानी प्रकार। जैसे हम कभी कभी आजकल सीजन है मैंगो का,
तो मैंगो हम खरीदने जाते हैं तो दुकान पे कई प्रकार के होते हैं, होते तो आम ही है, अगर मैं कहूँ तो होते वो क्या है, आम ही है, लेकिन वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कभी कोई कह रहा है दशहरी है, ना जाने क्या क्या, आई डोंट नो अबाउट द नेम ऑफ द मैंगो, बट हियर आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अबाउट वॉट इज डिफरेंस बिटवीन पर्सन काइंड्स। आई डोंट नो दैट वी डू जस्ट नाउ अबाउट द सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड ऑफ द सेंटेंस यू कैन से देर आर फाइव काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये पांच हम लोगों ने आज कवर किया। अगला जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग नोट्स बनाते रहें, बार बार देखते रहें, और जो ना समझ में आए आप हमसे सीधे हमारे इस कमेंट बॉक्स में या फिर यूँ कहें व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। हम उसको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो आपका भी समस्या हो उसका समाधान करने की या उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। थैंक यू।